आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। प्राइम टीवी की खास पेशकश नगर संग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो निकाय चुनाव की तारीख है जैसे जैसे नजदीक आ रही है, तमाम पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, साथ ही साथ जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो लोगों के बीच मौजूद रह रहे हैं, साथ ही साथ वो जनता का ज्यादा से ज्यादा समर्थन भी लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो इस बार के निकाय चुनाव में अपनी प्रचंड जीत दर्ज कर सके। यही वजह है कि लगातार वो महिलाओं से लेकर बुजुर्ग तक के हर एक युवाओं से लेकर महिलाओं तक से मुलाकात कर रहे हैं ताकि जनता का ज्यादा समर्थन उनके हक में रहे। और निकाय चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग अब जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जनता का समर्थन मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं अब इसी बीच हमारे साथ नगर संग्राम में रहमान खान जुड़ेंगे जो कि सभासद प्रत्याशी फरहीन के प्रतिनिधि हैं। गोंडा के राजेंद्र नगर वार्ड नंबर 25 से सभासद प्रत्याशी है फरहीन, जिनके प्रतिनिधि रहमान खान हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। रहमान जी, पहले तो मैं प्राइम टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जी रहमान जी, निकाय चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही है, जाहिर सी बात है कि अब आप भी जनता के बीच पहुंच रहे होंगे, तो क्या जनता का जनाधार आपको मिल रहा है? और बेपना प्यार मिल रहा है और पूर्ण समर्थन मिल रहा है। ठीक है रहमान जी, अब आप तो लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और आपकी रणनीति क्या है कि आप किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, आपके प्रमुख मुद्दे क्या हैं? प्रमुख मुद्दा मेरा ये है कि मैं 24 घंटा उपलब्ध रहता हूं जनता के ऊपर, और चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित हो, चाहे बिजली पानी और निर्माण संबंधित हो, चाहे तो रहमान जी से मैं दोबारा संपर्क साधने का प्रयास करूंगी, लेकिन आपको बताते चले कि राजेंद्र नगर वार्ड नंबर 25 से सभासद प्रत्याशी हैं फरहीन, जिनके प्रतिनिधि रहमान खान हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। तो फिर से मैं एक बार रहमान जी का प्राइम टीवी पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जी रहमान जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी रहमान जी, निकाय चुनाव नजदीक है और आप लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जनता का समर्थन मांग रहे हैं, लेकिन वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? जी अन्य प्रकार का मुद्दा हो, मैं अपने जनता के प्रति 24 घंटा उपलब्ध रहता हूँ और इसी का पूर्ण समर्थन मिल रहा है और बहुत प्यार मिल रहा है जनता से। ठीक है, आप फरहीन जी के प्रत्याशी वो प्रतिनिधि के तौर पर लोगों से समर्थन मांग रहे हैं, तो लोगों का समर्थन किस हद तक आपको प्राप्त हो रहा है? देखिए ऐसा है कि 5 साल जनता के प्रति हमने अपने चेहरे पर काम किया है, जनता मुझे मेरे ही चेहरे पर वोट देगी। ठीक है, तो अगर आपको जनता का समर्थन पूरा मिल जाता है और आप चुनाव जीत जाते हैं, तो वो कौन कौन से ऐसे 5 मुद्दे होंगे जिन पर आप सबसे पहले काम करेंगे रहमान जी? सबसे पहला काम, अगर सीवर लाइन बजट में पास हो गया नगर पालिका, सबसे पहले मेरा प्रयास ये रहेगा कि वार्डों में सीवर लाइन की समस्या को दूरा किया जाए, और चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे बिजली हो, चाहे निर्माण संबंधित कोई शिकायत, वो सबसे पहले मेरा रहेगा। ठीक है,
तो फरहीन जी चुनावी मैदान में उतरी हैं, तो क्या उनका ये पहला चुनाव है या इससे पहले भी आपके परिवार का कोई सदस्य कोई चुनाव लड़ चुका है? पहला चुनाव है और इससे पहले मैं ही लड़ा हूँ जी, सीट आरक्षित होने के कारण भाभी लड़ रही हैं। ठीक है, तो सीट आरक्षित होने के कारण आपने अपनी भाभी को चुनावी मैदान में उतारा है और जाहिर सी बात है कि आपने बोला कि स्वास्थ्य के लिए आप सबसे ज्यादा काम करेंगे, तो कौन कौन सी ऐसी प्रमुख समस्या है आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य को लेकर जिसके लिए आप काम करना चाह रहे हैं? देखिए, स्वास्थ्य को लेकर तमाम सी समस्याएं आती है, जैसे हॉस्पिटलों में डॉक्टर लोग खाली जो इलाज करते हैं वो ठीक है। रहमान जी, स्वास्थ्य क्षेत्र में तो आप काम करेंगे लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या कुछ काम करेंगे अगर जनता का आपको समर्थन मिलता है या आप अगर चुनाव जीत जाते हैं तो? ये हमारे वार्ड में जी दो प्राइमरी स्कूल है, इसको मैंने 5 साल में काफी रेनोवेट कराया है और बच्चों होता है क्या नाम MGM वगैरह जो होता है वो काफी अच्छे टाइम पे उपलब्ध कराते हूँ और ठीक है। रहमान जी, आपने कहा कि अगर आपकी भाभी चुनाव जीतती है या अगर जनता का पूरा समर्थन उन्हें मिलता है तो आप लोगों के लिए काम करेंगे, तो लोगों के लिए काम करने के लिए आपने राजनीति का ही रास्ता क्यों चुना या आपके परिवार ने राजनीति में आने ही क्यों मुनासिब समझा? देखिए, हम लोग शुरू से सामाजिक कौशल रहे हैं और राजनीति अचानक से हम लोग आए और लड़े और जनता का प्यार ने मुझे जिताया, तो ये अलग बात है। राजनीति से अब जो हम चुनाव जीत गए हैं तो उसको आगे जारी रखना चाहते हैं। ठीक है, फरहीन जी इस वार्ड से चुनावी मैदान में उतरी हैं और आप उनके प्रतिनिधि के तौर पर इस वक्त तो प्राइम टीवी पर मौजूद है मेरे साथ। तो फरहीन जी एक महिला है तो उन्हें जाहिर सी बात है महिलाओं की समस्या बखूबी पता होंगी कि आपके वार्ड में महिलाएं किस किस परेशानियों से जूझ रही हैं, तो ऐसे में महिलाओं को लेकर आपकी रणनीति क्या है? महिलाओं को लेकर रणनीति कुछ खास नहीं है और देखिए, ऐसा है जो मुख्य समस्या होती है मेरे वार्ड में वो है निर्माण संबंधित और राशन कार्ड संबंधित और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और 2.5 लाख आवास वालोनी जो भी प्रधानमंत्री द्वारा उन्होंने पेंशन का प्रति दिया गया है उसी का नाम ज्यादा होता है। ठीक है रहमान जी, आपने जिक्र किया कि आप महिलाओं के लिए भी काम करेंगे, तो क्या अगर आप चुनाव जीतते हैं तो केंद्र और जो राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसको किस तरीके से अपने वार्ड के लोगों को दिलवाएंगे? रहमान जी, मेरा सवाल यह है कि केंद्र और राज्य सरकार तमाम तरीके की योजनाएं चला रही है लोगों के लिए, लोगों के हित में, तो अगर आप चुनाव जीतते हैं तो उन योजनाओं का लाभ अपने वार्ड तक कैसे पहुंचाएंगे? वार्ड का लाभ जो भी लाभ होगा तो विकास भवन के माध्यम से चाहे विकास भवन के माध्यम से जहाँ का भी होगा। ठीक है रहमान जी, निकाय चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है तो आप किस तरीके से प्रचार कर रहे हैं लोगों के बीच जाकर या प्रचार करने के लिए जो आपकी रणनीति है या जो रोड मैप है वो किस तरीके से आपने तैयार किया है? अब प्रचार तो खाली एक फॉर्मेलिटीज है बस, तो
हम लोग जो है जनता के प्रति जाते हैं, अपना जो सिंबल है उसको बताते हैं और आशीर्वाद लेकर वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो जब आप लोगों के बीच जाते हैं तो लोगों का जो रुझान है वो किस तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है? पूर्ण समर्थन मिल रहा है, पूर्ण विश्वास के साथ वो लोग कह रहे, जनता कह रही है कि आप घर बैठे। अच्छा रहमान जी, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि आप स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे, शिक्षा के साथ साथ महिलाओं के लिए काम करेंगे, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि जब भी वार्ड में जाओ, अक्सर काफी सारे ऐसे वार्ड होते हैं जहां पर सड़कें बदहाल होती हैं, तो आपके वार्ड की आंखों देखी स्थिति क्या है? जब मैं सभासद चुना गया जी, तो यहाँ के निर्माण व्यवस्था जो रोड व्यवस्था बहुत खराब हालत में थी, जर्जर स्थिति में थी, तो मैंने सबसे पहले वीर अब्दुल हमीद 42 लाख का लागत से वीर अब्दुल हमीद से लेकर चुंगी नाके तक एक रोड बनवाई और दूसरी मोहल्ले और गलियों की नालियां 70 लाख में दुरुस्त करवाई गई थी और 3 बड़ी पुलिया का निर्माण कराया गया, ऐतिहासिक निर्माण था, 3 बड़ी पुलिया का वो कराया गया। चौथी चीज ये है कि वार्डों में स्ट्रीट लाइट लगवाई गई, हर जगह पूरी वार्ड में दुनिया रोशनी कराई गई, घर घर राशन वितरण कराया गया, वार्ड में किसी भी वक्त का कोई भी समस्या में परेशान हो, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे जिस भी हालत में जनता ने मुझे याद किया है, मैं उपलब्ध रहा हूँ, 24 घंटा उपलब्ध रहा हूँ। सबसे बड़ा मुख्य जो मेरा प्लस पॉइंट ये है कि मैं 24 आवर उपलब्ध रहता हूँ, यही जनता को सबसे ज्यादा पसंद आया है। ठीक है रहमान जी, आप लगातार जनता के बीच मौजूद रहे 24/7 जैसे कि आपने हमें बताया, तो ऐसे में आप प्राइम टीवी के माध्यम से जनता से क्या कुछ अपील करेंगे? जनता से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि एक बार मुझे पुनः मौका दिया जाए और मैं संकल्प लेता हूँ कि अपने वार्ड राजेंद्र नगर को एक आदर्श वार्ड बनाऊंगा और हर तरीके की जितनी भी सुविधा है सब उपलब्ध कराई जाएगी, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो निर्माण संबंधित हो, चाहे वो लाइट संबंधित हो, हर सुविधा को राजेंद्र नगर वार्ड में उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि नगर संग्राम के हमारे खास कार्यक्रम में रहमान खान हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि अगर जनता का समर्थन उन्हें मिलता है, जनता का साथ उन्हें पूरा मिलता है, तो वो अपने वार्ड को काफी विकसित करेंगे। तो नगर संग्राम में रहमान खान हमारे साथ जुड़े थे, जिनकी भाभी सभासद पद की प्रत्याशी है फरहीन। तो फरहीन के प्रतिनिधि हमारे साथ नगर संग्राम के खास कार्यक्रम में जुड़े थे। इस दौरान हमसे उन्होंने बताया कि अगर जनता का समर्थन उन्हें पूरा मिलता है और जनता उनका पूरा साथ देती है, तो वो अपने वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाने का काम करेंगे, जिससे वहां की जनता को हर एक तरीके की योजनाओं का लाभ मिल सके। तो नगर संग्राम की हमारी आज की खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।